आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का एक नया पाठ जंगल का दाह पढ़ेंगे। नाम से ही ज्ञात होता है कि यहाँ जंगल के दाह की बात हो रही है, अर्थात कहानी में आदिवासी संस्कृति की और उन पर आने वाले संकटों की बात करेंगे हम। पाठ पढ़ने से पहले कवि लेखक का परिचय देखते हैं। स्वयं प्रकाश 1947 से 2017 तक, अर्थात उनका जन्म 2047 और मृत्यु 2017 ईस्वी में हुई है। लेखक का परिचय देखते हैं। समकालीन कथाकार स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 ईस्वी को इंदौर में हुआ है। आधुनिक हिंदी कहानी में प्रेमचंद परंपरा के साहित्यकार स्वयं प्रकाश ऐसा नाम है जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आलोचकों एवं पाठकों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। सामान्य स्थितियों, घटनाओं को ये अपनी कहानियों के माध्यम से मार्मिक बना देते हैं। देखिए, लेखक की लेखनी की जीत तभी है जब वो बहुत सामान्य सी बातों को भी बहुत रोचक, बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करें। भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन को आधार बनाकर इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियों में मूलतः सामान्य लोगों का संघर्ष एवं जीवन के प्रति उनकी आस्था का चित्रण हुआ है। ये पहल सम्मान, वनमाला सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान, कथाक्रम सम्मान से विभूषित हो चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। उपन्यास जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन इनके कहानी संग्रह हैं। मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, अगले जन्म, संधान और छोटू उस्ताद इनके कहानी संग्रह हैं। नाटक देख लेते हैं इनके। घर कैद, चौबोली तथा इनके निबंध हैं। रंगशाला में एक दोपहर, एक कथाकार की नोटबुक। देखिए, 20 जनवरी 1947 को जन्मे स्वयं प्रकाश जी अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए विख्यात थे हैं। वह अब तक 5 उपन्यास लिख चुके हैं, जबकि उनके 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, जो सभी कहानी संग्रह हमने अपनी पुस्तक में पढ़े, उनके कथाकार हैं। और इनकी लिखी कहानियों का रूसी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है।
हाल ही में वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश को 2011, बहुत पुरानी बात नहीं है, में उन्हें आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हर वर्ष कथा लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है। अपने समकालीन कथाकारों, कवियों, संस्कृति कर्मियों पर केंद्रित उन्होंने एक अपने रेखाचित्रों का संकलन हम सफरनामा लिखा, जिसके लिए स्वयं प्रकाश जी के गद्य और चित्रण की बड़ी चर्चा हुई। इससे पहले उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगे राघव पुरस्कार तथा पहल सम्मान से नवाजा जा चुका है। यह मूलतः राजस्थान में अजमेर के निवासी हैं और स्वयं प्रकाश के कथा साहित्य में वैज्ञानिक सोच और सहजता का अनूठा और विरल संगम आपको देखने मिलेगा। अपनी अधिकतर रचनाओं में वे मध्यम वर्गीय जीवन के विविध पक्षों को सामने लाते हुए और जो मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोध, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकतों को उन्होंने कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है कि वे हमारे अपने अनुभव संसार का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम उनके साथ लिखी हुई उनकी कहानियों को जी रहे हैं। और सांप्रदायिकता एक और ऐसा इलाका है जहाँ उन्होंने अपनी रचनाशीलता, अपनी कलात्मकता को पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शित किया है। उनकी भाषा खिलंदड़ी और अत्यधिक सहज शैली की है और इसलिए वह हमारे समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार बनते हैं। वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 60वीं पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखन से संबंध रखते हैं। आजीविका के लिए मैकेनिकल इंजीनियर शिक्षा से एमए किया इन्होंने हिंदी में तथा पीएचडी की इन्होंने 1980 में, एवं कथा लेखन की एक बहुत लंबी तथा बहुत समर्पित पारी से संबंध स्वयं प्रकाश का जीवानुभव बहुआयामी रहा है। कहानी लिखने वाले स्वयं प्रकाश पहले कविताएं लिखते थे और मंचों पर सस्वर काव्य पाठ भी करते थे। प्रसिद्ध कथाकार रमेश उपाध्याय की सोहबत में, उनकी संगति में इन्होंने कहानी लिखना आरंभ किया। इनके रचना संस्कारों पर इनके ननिहाल इंदौर के उर्वर वातावरण का गहरा असर है, जहाँ चंद्रकांत देवताले, होमी दाजी जैसे सितारे इनके लिए प्रेरणा बने। एक कथाकार के रूप में अगर इनकी विशेषता देखी जाए तो कहानी का जनवादी स्वभाव और कला की बारीक बुनावट देखने मिलती है इनके लेखन में। जो इनका सूरज कब निकलेगा कहानी संग्रह है, ये राजस्थान के मारवाड़ इलाके के में 70 के दशक में बाढ़ आई थी, जिसे एक अखबारी सूचना की तरह उन्होंने ग्रहण किया और कला के रूप में उसकी प्रस्तुति की, जो बहुत हमें पाठक के रूप में चौंकाती है और
हम इसे भूल नहीं सकते। पूरा राजस्थान उनकी कहानियों में बोलता है, उनके लेखन में झलकता है। उनके देशी पात्र अपने रूप रंग आभा में अपनी बुनियादी भाषा संस्कार कभी नहीं भूलते, और उनकी कहानी पढ़ने से अधिक सुनने की चीज़ है। और उसका कारण यह है कि कहने का जो जातीय स्वभाव है, उन्होंने वह बहुत ही सुंदरता से अपनाया है। उनका गद्य ऐसे हँसता खिलखिलाता है, विचारधारा का ऐसा सटीक प्रयोग कि पाठक कहानी की पूरी बंधन में बंध जाते हैं। यह कौशल हर कहानीकार के पास नहीं होता। स्वयं प्रकाश ने जब कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, तब हिंदी कहानी नई कहानी के अभूतपूर्व उल्लास के बाद कहानी आंदोलनों की अराजकता के बोझ से चरमरा रही थी। किस्म किस्म के आंदोलनों ने पाठकों को कहानियों से दूर कर दिया था। तभी इस दौर में स्वयं प्रकाश जैसे अन्य कथाकार अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, पंकज बिष्ट, इन्होंने कहानी को फिर से जनता से जोड़ दिया, जनवादी तेवर दिया। और इसी प्रकार उन्होंने इसी प्रकार उन्होंने मानो कहानी को सजीव कर दिया। और उनके सारे जो पात्र थे, वो गांव देहात की भाषा बोली में अपने दुख दर्द साझा करने लगे। पाठकों को ऐसा प्रतीत होता था कि वह पात्र सामने बैठकर अपनी बात साझा कर रहा है। स्वयं प्रकाश इस दौर में मध्यम वर्ग की शक्ति और संभावनाओं को देख रहे थे, और उसे अपनी लेखनी से बखूबी अभिव्यक्त भी कर रहे थे। इस वर्ग की कमियां, कमजोरियां को उघाड़ना उन्हें आता था, लेकिन इस वर्ग से उनकी उम्मीद कभी समाप्त नहीं हुई। उनकी कई कहानियों में मध्यम वर्ग के प्रति आशा का उजास झलकता है। कई और उनकी प्रकाशित कृतियां, उनके कई सम्मान हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने राजस्थान में रहते हुए भीनमाल से अपने मित्र के साथ लघु पत्रिका क्यों का संपादन प्रकाशन किया, तो साथ ही साथ कई नाटक भी लिखे, जैसे घर कैद, फीनिक्स, सबका दुश्मन आदि। उनका प्रसिद्ध उपन्यास बीच में विनय भीनमाल के परिवेश पर ही लिखा गया था। भीनमाल राजस्थान राज्य के जालौर जिले के अंतर्गत भारत का एक ऐतिहासिक शहर है, और इससे पहले वे अपने सैन्य जीवन के अनुभवों पर भी एक उपन्यास लिख चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी रचनाशीलता में परिवर्तन किया और बदल रहे भारतीय समाज को अपने लेखन में देखने और समझाने की
भरपूर कोशिश की। आज हम उनके ही द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर कहानी जंगल का दाह पढ़ने वाले हैं। कहानी का सारांश समझ लेते हैं। स्वयं प्रकाश की जंगल का दाह यह कहानी आदिवासी संस्कृति पर आ रहे संकट की कहानी है। यह कहानी लोक कथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी के प्रमुख पात्र धनुर्धर मामा सोन हैं, जो जंगल में रहकर वहां के आदिवासी वनवासियों के बच्चों को गुरु के रूप में धनुर्विद्या सिखाते हैं। आखेट के साथ साथ मामा सोन बच्चों को पशुपालन करना, जंगल की रक्षा करना तथा संकट पड़ने के समय खुद को कैसे बचाना है आदि का भी ज्ञान देते हैं। मामा ने जंगल के जरिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि की जानकारी भी दी है। मामा सोन के मार्गदर्शन में छोटे छोटे बच्चे हिंसक प्राणियों की शिकार कैसे किया जाए की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। वह जानते हैं कि हिंसक प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन राजधानी में रहने वाला राजकुमार शिकार का खेल खेलने हेतु कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में आता है, परंतु राजकुमार को आखेट का अनुभव नहीं है। आखेट मतलब हंटिंग। तभी कुछ हिंसक प्राणी उस पर हमला कर देते हैं। शेर का राजकुमार शिकार बनने ही वाले थे, तभी जंगल में रहने वाला एक छोटा सा बालक अपने तीर से खूंखार शेर को घायल कर देता है और राजकुमार बच जाता है। जब राजकुमार के पिता को इस बात की खबर मिलती है तो उन्हें अपने बेटे के बच जाने का अगाध आनंद तो होता है, पर वह स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया। इस बात का उन्हें बहुत दुख भी होता है। राजा आज्ञा देते हैं कि मामा सोन, तो मामा राजा आज्ञा देते हैं कि मामा सोन राजकुमार को शिकार और धनुर्विद्या सिखाए। राजा के आदेश पर राजकुमार जंगल में आकर रहने लगता है। मामा सोन के लिए अच्छा सा महल बनाया जाता है।
राजकुमार के कारण धीरे धीरे सैनिकों का सैलाब जंगल में उमड़ पड़ता है। राजकुमार की सेवा टहल के लिए धीरे धीरे सैनिकों का सैलाब जंगल में आने लगता है। जंगल का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। जो आदिवासी लोग जंगल में रहकर पशुपालन और शिकार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, उनका विरोध किया जाता है। राजकुमार आदेश देते हैं कि कोई भी जंगल के पशु प्राणियों का शिकार नहीं करेगा। मामा सोन राजकुमार को शिकार का विस्तृत ज्ञान देना चाहते हैं, पर राजकुमार उसे ग्रहण नहीं करता। राजकुमार कम से कम समय में सब कुछ सीख जाना चाहता है। इसी कारण राजकुमार और मामा सोन के बीच विचारों का द्वंद्व बढ़ने लगता है। परिणामतः राजा सैनिकों सहित जंगल में आकर मामा सोन पर आक्रमण कर देता है। वह भूल जाता है कि गुरु ईश्वर के समान, माता पिता के समान होता है। मामा सोन को राजा के आक्रमण का अंदेशा पहले ही हो जाता है। आक्रमण का अंदाजा पाकर मामा सोन जंगल के आदिवासियों को, बच्चों को सचेत कर देते हैं। सभी आदिवासी और बच्चे जो मामा सोन की ताकत थे, सब एक साथ राजा और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। उनके प्रतिकार के आगे बचना मुश्किल है। यह देखकर राजा के सैनिकों में से ही कोई पूरे जंगल को आग लगा देते हैं। राजा के सैनिकों के बिना सोचे विचारे किए गए इस कदम से पूरा जंगल इस दाह में नष्ट हो जाता है। कहानीकार ने इस कहानी में जंगल में रहने वाले आदिवासी, वनवासी, हिंसक जीव, वनवासियों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चों का सूक्ष्म चित्रण किया है। जंगल में रहने वाला यह समाज अपनी जीविका हेतु शिकार और खेती तो करता है, पर जंगल की
वहाँ के पेड़ पौधे पशु प्राणियों की रक्षा भी करता है। आदिवासी अपनी जीविका के निर्वाह के लिए शिकार करते हैं, न कि अपने शौक के लिए। यही कारण है कि उन्हें वन से और वन जीवों से एक अटूट लगाव है। तभी तो वे संपूर्ण जंगल के संतुलन और असंतुलन का विशेष ध्यान रखते हैं। कहानी के पात्र मामा सोन, जो कि कहानी के प्रमुख नायक भी हैं, के माध्यम से लेखक ने धीरे धीरे लुप्त होने वाली आदिवासी संस्कृति के लुप्त होते जाने की व्यथा को भी बहुत सुंदरता से प्रकट किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार को दिखाना कथाकार का कहानी लिखने का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में कहानीकार स्वयं प्रकाश ने आज के सत्ता वर्ग के द्वारा आदिवासियों, ग्रामीण भारत को उजाड़ने की चल रही प्रक्रिया को दिखाया है और बहुत ही सुंदरता से बहुत ही जटिल बात कि प्रकृति हमारा साज संभाल करती है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति को हानि न पहुंचाते हुए वन्य पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार हमें दूसरों का दखल अपने जीवन में अखरता है, उसी प्रकार वन्य पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, आदिवासियों को भी अपना जंगल, अपने पेड़, अपने पशु अत्यधिक प्रिय हैं और वह इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उन्हें जंगल का संतुलन सदैव बनाए रखना है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।